हेलो दोस्तों, तो ब्रांड फाइनेंस नाम का एक प्लेटफॉर्म है जो कि दुनिया की हर तरह के ब्रांड्स को इवैल्यूएट करता है। कुछ ही दिनों पहले इस कंपनी ने पूरी दुनिया में ऑटोमोबाइल ब्रांड्स को इवैल्यूएट करा है, जिसमें मोस्ट वैल्यूएबल ऑटो ब्रांड्स और मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑटोमोबाइल ब्रांड्स का इस कंपनी ने इवैल्यूएशन करा है, जिसके बारे में हम सामने बात करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, इस कंपनी के मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑटोमोबाइल ब्रांड्स में हमारे इंडिया की सबसे ज़्यादा फेवरेट ऑटोमोबाइल कंपनी का भी नाम आया है, वो भी टॉप 10 लिस्ट के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट दोस्तों, उसके पहले अगर मेरे इस चैनल पे नए आए होंगे, जो कि 99.9% होंगे ही, मुझे डेटॉल क्यों याद आ रहा है, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मुझे डबल से डेटॉल को याद नहीं करना है अपनी वीडियो बनाते टाइम पे। इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टॉप 10 लिस्ट में कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनीज का नाम आया है। तो 10th नंबर पे है BMW की कंपनी, जिसने स्कोर करा है 84 पॉइंट आउट ऑफ 100 में से। और 9th नंबर पे आई है एस्टन मार्टिन कंपनी, जिसने स्कोर करा है 84 पॉइंट आउट ऑफ 100 में से। और 8th नंबर पे आई है पोर्शे कंपनी, जिसने स्कोर करा है 84.3 आउट ऑफ 100 में से। और 7th नंबर पे आई है हमारी पैरी बजाज कंपनी, जिसने स्कोर करा है 84.4 आउट ऑफ 100 में से, जो कि पहले 35 पोजीशन पे रैंक करती थी, वो अभी डायरेक्टली जंप करके 7th नंबर पे आ गई है, जो कि बड़े बड़े फोर व्हीलर कंपनी, मतलब कि BMW, एस्टन मार्टिन और पोर्शे कंपनी को पीछे करके 7th नंबर पे इसने रैंक करा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्राउड मोमेंट होगा बजाज के लिए। और एज अ ओनर, मैं बजाज की बाइक भी ओन करता हूँ, तो मुझे 1% का प्राउड तो ज़रूर हो रहा है कि मैंने बजाज की बाइक ली है। क्योंकि दोस्तों, इसी वजह से शायद फ्यूचर में जो बजाज बाइक की जो रीसेल वैल्यू है, वो आगे जाके बढ़ सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है अगर ऐसा होता है तो। पर दोस्तों, बिल्कुल हमारे इंडिया की ऑटोमोबाइल कंपनी फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा करने वाली है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है ऑटोमोबाइल कंपनीज का इंडिया में, इससे यही साबित होता है। क्योंकि दोस्तों, और भी इंडिया की ऑटोमोबाइल कंपनी इस लिस्ट में है आगे। तो 6 नंबर पे आए हैं ऑडी कंपनी, जिसने स्कोर करा है 84.4 आउट ऑफ 100 में से। और 5th नंबर पे आए हैं होंडा कंपनी, जिसने स्कोर करा है 85.3 आउट ऑफ 100 में से। और 4th नंबर पे आए हैं महिंद्रा कंपनी, जिसने स्कोर करा है 85.7 आउट ऑफ 100 में से, जो कि इंडिया के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्राउड मूवमेंट है दोस्तों। क्योंकि इंडियन ब्रांड्स जो ऑटोमोबाइल कंपनी में काफ़ी अच्छा करने वाली है फ्यूचर में भी, और अभी भी कर रही है, और अभी आगे बढ़ते। और 3rd नंबर पे आए हैं टोयोटा कंपनी, जिसने स्कोर करा है 86.8 आउट ऑफ 100 में से। और 2nd नंबर पे आई है 50% इंडियन ब्रांड, मतलब कि मारुति सुजुकी, जिसने स्कोर करा है 88.2 आउट ऑफ 100 में से। तो यार, इंडियन ब्रांड का नाम सुन के तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब कि इंडिया में ऑटोमोबाइल कंपनी का काफ़ी ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है। और अभी आगे बढ़ते हैं, तो 1st नंबर पे आए हैं फेरारी कंपनी, जिसने स्कोर करा है 93.9 आउट ऑफ 100 में से। तो दोस्तों, बजाज और महिंद्रा के बारे में तो एक मैं यही चीज़ें कहूँगा कि फ्यूचर में इस कंपनी के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन होने वाले हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होंगी, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, मुझे सब्सक्राइब के लिए बिल्कुल भी अप्रोच करना नहीं आता अच्छे तरीके से, बट सब्सक्राइब कर देना, ये रिक्वेस्ट तो ज़रूर करूँगा। तो बस दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून रहना और हैव अ नाइस डे।